ओके सर। टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी का एक डेपोजिशन हुआ जहाँ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्लानिंग ऑफिसर जरार पूरी साहब से मुलाकात हुआ। हमारे डेपोटेशन की जो सरबराही थी नजमल हसन जाफरी जो हमारे यूपी के जनरल सेक्रेटरी हैं वो कर रहे थे, और साथ साथ के कुछ मसाइल थे जिनको लेकर यहाँ हम आए, और लगभग हमारी 1.5 घंटा जो है सूरी साहब से बात हुई, जिसमें हमारे टाइम बाउंड प्रमोशन जो है साथियों के उसका मसला था। यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, वो ये हुई है कि 26/6/2008 और 25/6 लिखा गया है, क्योंकि हमारी रेगुलराइजेशन जो है 26/6/2013 को हुई और कुछ जो जोन है उन्होंने 25/6/2013 कर दी गई है। यहाँ पे थोड़ी सी डेफिशिएंसी आई, उसको क्लियर कर रहे हैं। और सूरी साहब ने ये भी कहा कि मनमीत साहब जो हैं उनको डिस्क प्रॉब्लम है, वो कहीं चंडीगढ़ जा रहे हैं, उनको इलाज करवाना है, इसलिए भी कहीं प्रॉब्लम आ रही है। सीओ साहब चले गए, उनको कहीं कोई परेशानी थी, वो भी घर चले गए हैं। तो सूरी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से फाइलें, इस वक्त भी वो अपने काम में लगे हुए थे, तो वो कह रहे हैं कि जल्द ही हम ये जो फाइलें जिन पर डेफिशिएंसी है उनको निकालेंगे, उनको वापस करेंगे, और बाकी फाइलें जो है उन्हें हम निकाल रहे हैं। उसके साथ साथ हमें दिखाया उन्होंने वो स्कूल जो सिंगल टीचर थे, यानी 126 स्कूलों को उन्होंने दूसरा टीचर दिया है। इसके लिए हम मुबारकबाद देते हैं अपने जॉइंट अपने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू जॉइंट डायरेक्टर साहब को, हम अपने जिला तरक्याती कमिश्नर यानी डिप्टी कमिश्नर साहब को, चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब को, डिप्टी सीओ साहब को, और अपने डीपीओ साहब सूरी साहब को भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी परेशानी थी ये। और खसूसी तौर पे नजमुल हसन जाफरी साहब ने और मैंने, एक ऐसा स्कूल है सुरनकोट के अंदर जहाँ पे एक फीमेल टीचर थी, पिछले 15 से 16 साल वो अकेली चला रही थी, और वहाँ 43 इनरोलमेंट थी लोअर पनियाली, वहाँ पे भी हमें निकाल के देखा, वहाँ पे भी टीचर दिया है। उसके लिए हम तमाम जितने भी टीचर हैं उनकी तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं, और खसूसी तौर पे आज नजम जाफरी साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि टीचरों के मसाइल को लेकर पहले स्कूल जाना और स्कूल से वापस आकर यहाँ हमने बहुत सारे मसाइल जो थे उनका बात हुई, और ये टाइम बाउंड प्रमोशन जो है वो जल्द ही निकल जाएगी। और डीपीओ साहब का कहना था कि चूंकि हमारे पास स्टाफ नहीं है, अगरचे लेट भी होता है तो आपको अफेक्ट जो है वो 1 जुलाई से ही रहेगा, यानी टाइम बाउंड प्रमोशन का। बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ आज टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी का एक वफद डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्लानिंग अफसर जनाब अहमद सूरी साहब से मुलाकात हुआ, जहाँ पर आज जो है हम टाइम बाउंड प्रमोशन के मसले को लेकर जो है आज फिर दफ्तर में हाजिर हुए थे, मगर वहीं पर सबसे बड़ी बात जो टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी का हमेशा जो है चीफ एजुकेशन अफसर साहब से गुजारिश करते थे कि बहुत से ऐसे स्कूल जिनमें सिंगल टीचर है वहाँ जो है कम से कम एक और टीचर दिया जाए, आज बड़ी मुद्दत के बाद चीफ एजुकेशन अफसर साहब ने इस हमारी रिक्वेस्ट पर, टीचर डायरेक्शन कमेटी की रिक्वेस्ट पर जो है वो रेशनलाइजेशन की, और आज के दिन जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं जहाँ पर एक सिंगल टीचर था वहाँ जो है माशाल्लाह एक और टीचर जो है वहाँ तैनात किया गया है रेशनलाइजेशन बेस पर। उस पर जहाँ हम डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू जॉइंट डायरेक्टर जनाब पकड़ू साहब का, और ख़ासकर अपने चीफ एजुकेशन अफसर साहब का, और डिप्टी सीईओ जनाब लतीफ़ साहब, और डीईपीओ साहब जनाब सूरी साहब का जो है हम तहे दिल से मशकूर ममनून हैं कि आज टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी की जदोजहद कहीं ना कहीं रंग लाई, और जो टीचर जो स्कूल जहाँ सिंगल टीचर थे या कम टीचर थे वहाँ जो है आज कहीं ना कहीं वो ये डेफिशिएंसी जो है पूरी की गई, जिसके लिए तमाम टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करती है। और ख़ासकर जो यहाँ टाइम बाउंड का मसला है वो जो है जहाँ एक लिस्ट बन चुकी है और कुछ रह गए थे उस सिलसिले को जो है आज हम यहाँ आए, वहाँ पर ये बात सामने आई कि एक कुछ टीचर्स जो है जिन्होंने डेट जो है वहाँ गलती के साथ जो है वो 25 डेट को मेंशन हुई है, जबकि 26 डेट होनी चाहिए, 26 डेट होनी चाहिए, तो वही डेफिशिएंसी आज जो है हमने क्लियर की, और जिनकी 26 की थी वो कहीं ना कहीं बिल्कुल वाजिया होगी कि वो डेट बिल्कुल सही है, और उनकी लिस्ट जो है विद इन वीक निकलेगी, और जो 25 वाले डेट जो है वो भी जो है आए इन्हीं दिनों में वो वेरीफाई करेंगे डीपीओ साहब, और साथ साथ में उनकी लिस्ट भी निकल जाएगी। इसके लिए जो है टीचर डायरेक्शन कमेटी चीफ एजुकेशन अफसर और जनाब डीपीओ साहब का शुक्रिया अदा करती है। इसी तालुक से जो है आज हमारा डेफिनेशन